फाइनली दोस्तों, ये है TVS जुपिटर 125 का डिस्क ब्रेक टॉप मॉडल। इसमें कंपनी ने क्या क्या नए अपडेट फीचर्स दिए हैं, माइलेज कितना देता है, टॉप स्पीड कितनी मिलती है, 125 के सभी मॉडल की डिटेल में ऑन रोड कीमत कितनी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रंट लुक से। तो जैसा कि ये टॉप मॉडल है, तो यहां पर ब्लैक कलर का आपको विंडशील्ड मिल जाता है। दोनों तरफ आपको क्रोम का ट्रीटमेंट, स्प्लिट LED हेडलाइट आपको देखने को मिलती है। जैसा कि ऊपर में लो बीम मिलती है, नीचे में ये आप इसकी अभी हाई बीम को देख पा रहे हैं। जबकि एक्टिवा 125 भी LED हेडलाइट के साथ आता है। यहाँ पर आपको प्लास्टिक बॉडी का वाइजर मिलता है, TVS का लोगो मिल जाता है एप्रेन के ऊपर। यहाँ पर आपको मिलता है स्कूटर ऑफ द ईयर जुपिटर 125 का लोगो, जैसा कि ये लेटेस्ट मॉडल है 2022 का। ये वाला पार्ट भी आपको प्लास्टिक का मिलता है, बाकी साइड पैनल आपको मिलते हैं मेटल बॉडी के। इसके साथ ही जैसा कि ये टॉप मॉडल है, तो इसमें आपको LED DRL मिल जाते हैं, जो आपको इससे नीचे वाले मॉडल में देखने को नहीं मिलेंगे। दोनों तरफ आपको हेलोजन इंडिकेटर, नीचे भी आपको थोड़ा सा क्रोम का ट्रीटमेंट, आगे वाला मडगार्ड भी आपको मेटल बॉडी का मिल जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्लास्टिक का कवरिंग की गई है, जिससे स्क्रैचेस वगैरह ना आए। 220 mm की डिस्क मिलती है, जो कि कॉम्बी ब्रेकिंग के तौर पर काम करती है। 90-90-12 के आपको मिलते हैं ट्यूबलेस टायर, और 12 इंच के यहाँ पर डायमंड कट अलॉबिल दिए गए हैं। वैसे देखा जाए तो एक्टिवा 125 के टॉप मॉडल के मुकाबले ये जो स्कूटर है, वो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स लोडेड नज़र आता है। इसकी कीमत भी 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा है टॉप मॉडल एक्टिवा से। यहाँ पर इंटेलिगो का फीचर्स का लोगो मिलता है। ये जो पैनल है, ये भी आपको प्लास्टिक के मिलते हैं। 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बाकी लेग स्पेस आपको मिलता है काफ़ी लॉन्ग, जो कि 380 mm का प्रोवाइड किया गया है। USB मोबाइल चार्जिंग का इसमें आपको पोर्ट मिल जाता है, जो एक्टिवा में आपको नहीं मिलता है। मल्टी फंक्शन की पॉइंट यहाँ पर आपको मिलता है, और इसके बूट को अभी हम ओपन कर देते हैं। 790 mm की लंबाई की सीट मिल जाती है। इसकी जो कुशन है, वो काफ़ी सॉफ्ट है। अगर हम बात करें सीट हाइट की, तो 765 mm की सीट हाइट मिलती है, जो कि एक्टिवा के स्कूटर के लगभग बराबर है। 33 लीटर का काफ़ी बड़ा यहाँ पर आपको सीट अंडर स्टोरेज मिल जाता है, जिसमें आप फुल फेस और हाफ फेस वाला हेलमेट को आसानी से कैरी कर सकते हैं। और थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी यहाँ पर हो सकता है, अगर हेलमेट की जो लेंथ है, जो ऊंचाई है, हाइट है, वो भी सब कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगी। बाकी सेंटर में आपको मिल जाता है कैरी हुक, जिसमें थैला वगैरह आप लटका सकते हैं। 5.1 लीटर की यहाँ पर आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग मिलती है, जिसको अभी मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करके अगर आप इसको राइट में मूव करते हैं, तो इसका जो फ्यूल टैंक का कैप है, वो आसानी से ओपन हो जाता है। तो स्कूटर में पेट्रोल भरवाते समय आपको स्कूटर से उतरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। पहले इसका जो फ्यूल टैंक है, वो आपको मिलता था इसकी टेललाइट के पास, बट अब यहाँ पर इसको बेस में शिफ्ट कर दिया है। इसमें 5.1 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी, यहाँ पर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिलता है, जैसा कि हीरो इसको बोलती है i3S, और TVS बोलता है इंटेलिगो फीचर्स। यहाँ पर स्पीडोमीटर, यहाँ पर आपको मोड और सेलेक्ट की बटन, TVS रेसिंग की लाइट, यहाँ पर इको मोड मिल जाता है। बाकी ऊपर की तरफ देखेंगे, तो यहाँ पर आपको चेक इंजन एरर इंडिकेटर मिल जाता है, और आइडल स्टार्ट स्टॉप की यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर की वार्निंग लाइट मिलती है। बाकी हेडलाइट, लो फ्यूल, इको मोड, पावर मोड की लाइट मिल जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम इसका अभी एक्टिवेट है, और ये स्कूटर बंद हो चुका है। अभी मैंने इसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर आपको डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, ओडोमीटर, ट्रिमीटर मिलता है, और इसके साथ ही सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिलता है, जैसा कि यहाँ पर IFE दिखा रहा है, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओडोमीटर, ट्रिमीटर भी अभी आप इसमें देख पाएंगे। अभी मैं आपको इसका माइलेज टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो अभी मैं इसको 40 की स्पीड में मेंटेन करता हूँ, तो अगर आप इसको 40 की स्पीड में चलाते हैं, तो कंसोल में दिखा रहा है 65.2 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज यहाँ पर आपको शो हो रहा है इस कंडीशन में। अगर आप 60 पे चलाएंगे, तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको माइलेज शो होगा। वैसे नॉर्मल ये आपको 40 से 45 का माइलेज आसानी से निकाल कर दे देता है। यहाँ पर अपर डिपर, पासिंग इंडिकेटर और हॉर्न, यहाँ पर आपको बार एंड नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके एग्जॉस्ट के साउंड को सुना देता हूँ।
तो आपको इसकी एग्जॉस्ट का साउंड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर हम बात करें इसके साइड बॉडी पैनल की, तो इसके ऊपर में आपको जुपिटर का 3D में लोगो, क्रोम के साथ 125 का लोगो ड्यूअल टोन कलर के साथ, साइड पैनल आपको मेटल बॉडी के मिल जाते हैं बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से। यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रोम का ट्रीटमेंट मिलता है, एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट के ऊपर मफलर गार्ड मिलता है जो कि छोटा सा ही है। यहाँ पर आपको इंजन ऑयल का कैप दिया गया है। रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रैब रेल मिलता है जिसके पीछे में रेड कलर का आपको रिफ्लेक्टर। इसकी जो टेल लाइट है वो आपको LED में मिलती है, हेलोजन आपको मिलती है ब्रेक लाइट, हेलोजन ट्रांसपेरेंट रेड कलर के बल्ब के साथ आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। जैसा कि ये 22 का लेटेस्ट मॉडल है तो 27 अक्टूबर 2022 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, मतलब कि ये स्कूटर सिर्फ 15 दिन पहले ही बनाया गया है कंपनी की तरफ से। दूसरी तरफ चलें तो यहाँ भी आपको सेम चीज़ें मिल जाती हैं, क्रोम का 3D में लोगो, एडजस्टेबल फुटरेस्ट। जब भी आप इसके साइड स्टैंड को लगाते हैं तो आपको एक बीप जैसी आवाज़ सुनाई देगी। साइड स्टैंड डाउन होने पर ये स्कूटर बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में स्टार्ट नहीं होता है। अभी मैंने साइड स्टैंड को हटा दिया है तो गाड़ी जो है वो सेल्फ लेने लग जाती है। टॉप स्पीड की बात करें तो इसमें आपको 90 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास मिलती है टॉप स्पीड। यहाँ पर आपको किक मिल जाती है, TBS की ब्रांडिंग और ब्लैक कलर का इंजन मिलता है। पीछे में आपको मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल विद सॉक्स MIG वाले 3-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन का सेटअप मिलता है और पीछे में भी आपको 90-90-12 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। एक चीज़ इसकी अच्छी है क्योंकि 12-12 इंच के यहाँ पर आपको एलो मिल जाते हैं जो आपको एक्टिवा में नहीं मिलते हैं। 130 mm की ड्रम ब्रेक, 124cc का इसमें आपको एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन दिया है जो 8.15 PS की पावर देता है 6500 RPM पर और 10.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है 4500 RPM पर। वहीं दूसरी तरफ एक्टिवा 125 में मिलती है 8.29 PS की मैक्स पावर और 10.3 Nm का टॉर्क मिलता है। टॉर्क आपको एक्टिवा में कम मिलता है जुपिटर से और पावर आपको जुपिटर से थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। प्राइस की अगर हम बात करें तो जुपिटर 125 टॉप मॉडल की एक्सोरूम कीमत है 90,375 रुपये और इसकी ऑन रोड कीमत है 1,08,610 रुपये। और ये है TBS जुपिटर 125 का डिस्क वाला ड्रम ब्रेक वाला मॉडल, सेकंड टॉप मॉडल, और इसकी एक्सोरूम कीमत है 85,925 रुपये, ऑन रोड कीमत है 1,03,615 रुपये। और ये है जुपिटर 125 का बेस मॉडल, इसकी एक्सोरूम कीमत है 82,475 रुपये, ऑन रोड कीमत है 99,742 रुपये। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।